Hello student, today we now start chapter number 12, reproduction in plant. First topic of modes of reproduction. Most plants have roots, stem and leaves. Stem, roots and leaves. It is known as a vegetative plant. After a certain period of growth, मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स. जब प्लांट की ग्रोथ हो जाती है तब प्लांट में क्या आने लग जाते हैं? फ्लावर्स आने लग जाते हैं. इन जनरली यू मे हैव द सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. इट इज दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू ज्यूसी मैंगो फ्रूट्स वी एंजॉय इन समर. समर के टाइम पर, समर सीजन में हम देखते हैं कि मैंगोज जो होते हैं, मैंगो जो वन टाइप ऑफ फ्रूट्स टाइप है जिसमें जूस होता है, जिसको हम समर में यूज करते हैं. वी ईट द फ्रूट एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड्स. हम क्या करते हैं, फल को खाते हैं और उसके बीज को क्या करते हैं, सीड्स को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं. ओके, देन अगेन सीड जर्मिनेट द फ्लावर न्यू प्लांट्स. सीड से क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. इस सीड्स के थ्रू क्या होगा बेटा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द प्लांट. फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्लावर क्या हो गया हमारे पास, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया. कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया बेटा, इसमें यहां पर क्या था, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फर्स्ट इज स्टीम, रूट और लीव्स होती है वेजिटेटिव प्लांट्स के अंदर. उसका फ्लावर होता है, उसके बाद फ्लावर के थ्रू फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया. उस फ्रूट्स को हमने क्या किया, अब्सॉर्ब किया, खा लिया. उसके बाद उसको क्या कर दिया, उसके सीड्स को फेंक दिया. उसमें से वापस ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हुआ. जब ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हुआ तब इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहेंगे. ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ये टू टाइप से होता है. कैसे होगा ये टू टाइप से, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स टू टाइप का होता है. एक होता है फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिपार्ट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड सेकेंड क्या होगा हमारे पास, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन. सेकेंड इज द सेक्सुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्लांट, यदि हमारे पास प्लांट विदाउट सीड्स होगा, एसेक्सुअली प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट. जब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है विदाउट सीड से, विदाउट सीड से यदि हमारे पास फॉर्मेशन होगा तब ये हम इसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन. बट जब हमारे पास ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तब क्या कहेंगे हम, विथ सीड्स. ओके, इसके अंदर क्या होगा, सीड्स होंगे. ओके, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन विदाउट रिप्रोडक्शन ऑफ सीड्स. विदाउट रिप्रोडक्शन ऑफ सीड्स से होगा और इसमें क्या होगा, विद सीड्स होगा. ओके, इसके अंदर सीड्स होगा. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज द वेजिटेटिव रिप्रोपोगेशन. इन द टाइप ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ये कैसा है हमारे पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है.
इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट स्टीम लीव्स एंड बर्ड्स. इसके अंदर क्या होगा, स्टीम लीव्स एंड बर्ड्स एंड रूट्स का फॉर्मेशन होगा, बट कैसा होगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से. इट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इन एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी 12.1. कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद ए नॉट. हमें क्या करना है, कट करना है. जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है, यहां पर ये प्लांट है, इस प्लांट के फ्लावर्स से इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से, यहां से हम इसको कट कर रहे, वन कट कर रहे हैं. एंड क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से हम बाय द कट ऑफ द सॉइल, उसको हम क्या करेंगे, यहां से कट करके इसको सॉइल के अंदर क्या कर देंगे, लगा देंगे. एंड नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ स्टीम ब्रांच इज द लीव इज द अराइज वॉटर एंड कटिंग एवरीडे एंड ऑब्जर्व ऑफ ग्रोथ. हम क्या करेंगे, यहां से इसको कट करके हमने किसके अंदर लगा दिया, यहां पर सॉइल है हमारे पास, इस सॉइल में इसको लगा दिया हमने. और डेली हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए हम क्या देंगे, इसको वॉटर देंगे, जिसके कारण ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा. ऑब्जर्व द रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन ऑफ द रूट ऑफ कम आउट एंड द न्यू लीव्स ऑफ अराइज. इसके अंदर वापस से क्या होगी, न्यू लीव्स का होगी आपकी जनरेट होगी. यहां से क्या हो गया, कट करके हमने लगा दिया, तो इसमें वापस से क्या आ गया, न्यू लीव्स का फॉर्मेशन हो गया. यहां से इस पार्ट को कट करके लगाया हमने, तब न्यू लीव्स का फॉर्मेशन हो गया. ट्राई द सम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट ऑफ द जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन. यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इन टू फ्लावर. उसकी जो बर्ड्स है वो किसके अंदर डेवलप हो जाएगी, फ्लावर के अंदर डेवलप हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स देर आर बर्ड्स इन द एक्सियल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ ऑफ द नोड्स ऑफ लीफ विच डेवलप इन टू शूट्स. दिस बर्ड आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड. ये हमारा कैसा होगा, वेजिटेटिव बर्ड्स होगा. ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टीम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट. वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज ए न्यू प्लांट. वेजिटेटिव बर्ड्स क्या करेगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा. ओके.